नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम वैदेला त्रिपाठी रसाल है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे जो 3 स्टेप्स हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो आपके स्टमक के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत पहले से, इवन आपके डेली लाइफ में जो चीज़ें ऐड की गई हैं, वो कैसे आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। और ये 3 स्टेप्स जो है आपको हेल्दी रखने के लिए, आपका स्टमक का एनवायरनमेंट हेल्दी रखने के लिए, वहाँ का स्टमक का पीएच बैलेंस करने के लिए, वहाँ पे जितने भी एसिडिक सिक्रीशन हो रहे हैं वहाँ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आयुर्वेद ने इसीलिए हर एक रोग का जो मूल है वो जाठर अग्नि, मतलब आपके जो है पाचक है, अगर पाचन आपका अच्छे से नहीं है, उसको मूल बताया हुआ है। तो इसको हेल्दी करने के लिए क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, वैसे हम आयुर्वेदिक व्यू में आज जानेंगे। और ये आपके एक्सटर्नली जितने फेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके स्टमक के लिए भी है। तो क्लिनजिंग, जो पहला स्टेप था क्लिनजिंग, उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूजुअली जो है बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आयुर्वेद में बताए हुए हैं क्लिनजिंग के लिए द्रव्य, ड्रग्स, मेडिसिन बताई गई हैं। वो टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, वो काढ़े, फर्मेंटेड काढ़े, सिरप्स के फॉर्म में भी रहता है और चूर्ण के फॉर्म में भी रहता है। लेकिन सबसे सेफेस्ट है त्रिफला चूर्ण को यूज़ करना और आमल की। ये 3 कंटेंट होते हैं जो सभी के एनवायरमेंट, सभी के स्टमक के लिए अच्छा काम करते हैं। ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो अभी पत्ती कर चूर्ण यूज कर सकते हैं 2-5 ग्राम के डोज में, डिपेंड आपका कोष्ठ कैसा है, आपको पेट कैसा साफ होता है। फिर आर्यवर्त कपिलावती नाम के टैबलेट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आर्यवर्त जो है वो प्लांट है, वो मृदु विरेचन, मतलब माइल्ड पर्गेटिव है, वो बच्चों में भी दिया जा सकता है। बस कपिला जो है वो जो है बैक्टीरिया जितने भी रहते हैं उनको वहाँ पे खत्म करने का काम करता है, और नॉट ओनली आपके जो है जितने भी सिक्रेशन हो उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है। तो ये 3 जो है आप सेफेस्ट है जो आप सब लोग यूज कर। ओके, अब हम टोनर के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। टोनर में हम जो है हिम, फांट और या फिर मंडपे या विलेपी, ये सारी चीज़ें जो आयुर्वेद में बताई हुई हैं, इस सबको ले सकते हैं हम। हिम क्या हो गई, हिम जो है वो हिम नाम से ही ठंडा, जो आपके पेट को ठंडा रखे, वैसा जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, खाना नहीं पचता, या फिर भूख नहीं लगती है, इंटरनली उनको बहुत डकारें आती रहती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हिम कल्पना जो है धान्य का, मतलब धान्य के जो बीज होते हैं उसको आपको लेना है, और उसके बाद जो है उसको रात भर भिगो के रखना, सुबह उसमें मिश्री या खड़ी साकर जो बोलते हैं वो मिलाना है, ऐड करना है, और ये आपको जो है सुबह सुबह पी लेना है। ये धान्य पता है कि आपके रस से लेकर, मतलब आपके जो न्यूट्रिशन का खाना है उस तक लेकर वहाँ के स्टमक के जो म्यूकोसा है उसको नॉर्मलाइज करने का, आपके पीएच को बैलेंस करने का, इवन आपको अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है सुबह सुबह उठ के, आपको बहुत ज़्यादा गर्म पेट में होता है, रक्त विकार, रक्त पित्त में बहुत अच्छा बताया, मतलब जिस कंडीशन में आपके पित्त, मतलब एसिडिक की वजह से आपका ब्लड भी कहीं ना कहीं जो है इम्प्योर होता रहता है, और अच्छा इम्प्योर रहता है, और लिवर के लिए भी अच्छा काम करता है, आपकी किडनीज पे भी अच्छा काम करता है, तो एक सिंपल सा होता है। फिर बहुत सारे लोगों को पता है कि आम का जो है पाना बनाते हैं, आम और आदि हिम फांट यूज कर सकते हैं आप, उसमें आम को यूज करना है वैसे ही, और आपको उसमें उसका रस जो है कच्चे आम को बॉयल करके आप यूज कर सकते हैं, और उसको जो है मैश करके आप पी सकते हैं। फिर इसके साथ साथ सरस कल्पना है, जैसे जूसेस, इतने सारे जूसेस क्यों बताए गए हैं, जूसेस इसलिए बताए गए कि एक जूस को लघु नहीं बताया गया, ये गुरु होता है पचने के लिए, लेकिन जो है नेचुरल जो कंटेंट होते हैं आपके, वो पीएच लेवल को अच्छे से, जो आपका शुगर जो इंटेक होना चाहिए सुबह सुबह, आपको वो चीज़ उससे मिल जाती है। तो आप इसके लिए जूस टोनर के, एज ए टोनर आप जूसेस भी ले सकते हैं, बहुत सारे मौसमी का हो गया, ऑरेंज का हो गया, वाटरमेलन अगर आप प्रेफर करते हैं, पुदीना, धनिया, इन सब चीज़ों के जूस भी पी सकते हैं आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। फिर आप यूज एज अ टोनर जो है आप चावल का पानी पी सकते हैं, ये आपके जो सारे पूरे ओवरऑल जो आपके जितने भी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसको क्लियर, श्रोता हुआ जो दृष्टि होती है श्रोतस को क्लियर करने का काम करता है, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है। हम बात करते हैं मॉइस्चराइजिंग की। मॉइस्चराइजिंग पेट में कैसे मॉइस्चराइजर कैसे लगाएंगे, इसीलिए आयुर्वेद में जो है घी खाना इतना ज़्यादा प्रेफर किया गया है, कि क्योंकि घी जो है आपके मसल्स में इजीली लिपिड बेस्ड रहता है, इससे आपके जो स्टमक में वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो पूरे आपके जो है मेन्स आर्टरी में और ब्रेन में हर जगह वो इजीली पहुंच जाता है। तो घी जो होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सबको पता है, वो आपके हेल्थ के, काऊ घी जो प्योर शुद्ध घी है
वही अच्छा होता है, क्योंकि वो इजीली आपको पच जाता है और कोलेस्ट्रॉल जो है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनाने का काम करेगा, आपके बॉडी का वेट अच्छा रखेगा, प्लस आपके स्टमक का जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस करेगा, आपकी हीट की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, उस सब चीज़ों को दूर करेगा। तो मॉइस्चराइजर के लिए घी से उत्तम कोई भी चीज़ नहीं है। उसके बाद से है आप जो एरंड तेल, जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं आप 5 to 10 ml के रात में सोते टाइम। घी को जो है सुबह शाम आप खाने में ऐड करेंगे तो आपको वैसे ही एज ए मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा रुक्ष खाना खा रहे हैं, मतलब ड्राई खाना खा रहे हैं, कुछ भी बाहर का खाना खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ खा रहे हैं जो आंतों में आपकी चिपक सकती है, तो वहाँ पर घी का खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही आपका कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल जो है वृष बताया हुआ है, मतलब एंटी एजिंग काम करता है, रिज्यूनेटिंग काम करता है, आपके जो वात बॉडी में जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करता है। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑयल में, जो नेचुरल ऑयल है, जो आपके बस्ती के लिए भी अच्छा है, आपके मूत्र व मतलब जो है आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। तो जो ये सारे जो हैं ये नेचुरल मॉइस्चराइजर हो गए, जो आपको नेचुरली अपने पेट में जाके डाइजेस्ट करेंगे और वहाँ के एनवायरमेंट को अच्छा रखेंगे। तो क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में ये फोकस इसलिए किया गया कि जितना आपके लिए ये 3 स्टेप्स फेस के लिए अच्छा, उतना है आपके पेट के लिए भी। धन्यवाद।